वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नमस्कार। भारत इस साल दिसंबर में एक वर्ष के लिए G20 या ग्रुप ऑफ 20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। इसके तहत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक देश भर में 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कि हम भारत की अध्यक्षता के महत्व और अवसरों के बारे में बात करें, आइए संक्षेप में जानते हैं कि G20 है क्या। वर्ष 1990 में गठित ग्रुप ऑफ 20 या G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें यूरोपीय संघ एवं 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि को G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। भारत अपनी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एशियाई विकास बैंक और अन्य को भी अतिथि संगठनों के रूप में आमंत्रित करेगा। सामूहिक रूप से G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। अब बात करते हैं G20 की कार्यशैली पर। G20 के कामकाज में दो समानांतर ट्रैक शामिल हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। G20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो राजनेताओं के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं और G20 के कार्यों का समन्वय करते हैं। फाइनेंस ट्रैक G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक साथ लाता है। इसके अलावा कई सारे एंगेजमेंट समूह हैं जो G20 देशों के नागरिकों, सांसदों, थिंक टैंक, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों व शोधकर्ताओं इत्यादि को एक साथ लाते हैं। एक विस्तृत संगठन होने के बावजूद G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। प्रत्येक वर्ष के शिखर सम्मेलन का एजेंडा ट्रोइका द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस ट्रोइका का निर्माण वर्तमान वर्ष, इससे पहले और अगले साल में प्रेसिडेंसी धारण करने वाले देश साथ मिलकर करते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। G20 प्रेसिडेंसी का लोगो और थीम। बीते 8 नवंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट जारी किया गया। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, जो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत सूत्र से लिया गया है। यह थीम सभी प्रकार के जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के मूल्यों की पुष्टि करता है और पृथ्वी पर उनके परस्पर संबंधों को रेखांकित करता है। यह थीम मिशन लाइफ को भी प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली से जीना जो हमारे पर्यावरण के अनुरूप है और इसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसी? G20 प्रेसिडेंसी भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। G20 प्रेसिडेंसी भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत न केवल पूरे वर्ष के लिए एजेंडा निर्धारित करेगा, बल्कि अहम मुद्दों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके इन पर चर्चाएं आयोजित करेगा और इनसे प्राप्त होने वाले परिणाम दस्तावेजों के रूप में वितरित किए जाएंगे। भारत विविध सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों जिनमें ऊर्जा, कृषि, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण से लेकर रोजगार, पर्यटन, भ्रष्टाचार विरोध और महिला सशक्तिकरण तक शामिल हैं, और ऐसे मुद्दे जो सबसे कमजोर और वंचित वर्ग को प्रभावित करते हैं,
उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मजबूत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका लेने के लिए विकसित हो रही है। G20 में भारत की अध्यक्षता न केवल देश के लिए एक यादगार पड़ाव होगा, बल्कि भविष्य भी इसे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर याद रखेगा। वसुधैव कुटुंबकम्।